करो, खाना खा रहे मालूम जल्दी खत्म करो बोला, बाद में खाओ बोले और आगे उनका घर हो, बाद में खाओ कैसा बोल रहे हमारे सीनियर, हमारे मार्गदर्शन मिस्टर हारून खान जो 40 साल सऊदी में थे, उन्होंने मुझसे चर्चा की कि अब मैं सऊदी छोड़कर आया हूं, मैं समाज के लिए और अपने शहर के लिए कुछ करना चाहता हूं। तो मैं बोला कि सर अपन सबसे पहले अपने इच्छुक उम्मीदवारों को बुलाएंगे, और सब में बड़ा मसला शहर मध्य की उम्मीदवारी का है, तो इनके साथ मिलकर अपन राय मशवरा करते कि अपने को करना क्या है। तो आज यहाँ पर ये बैठक आयोजित की गई थी हारून खान के घर पर, तो यहाँ पर ऐसा तय हुआ कि अगली मीटिंग 10 सितंबर को रखी गई है, जिसमें सभी बिरादरी के दो दो लोगों को बुलाकर राय मशवरा करेंगे और उम्मीदवारी के लिए ज्यादा से ज्यादा जोर देंगे। अब उम्मीदवारों में जैसे जुबेर कुरैशी है, रियाज हुंडेकरी है, आरिफ महापौर है, शकील मौलवी साहब है, और फिरदौस पटेल है, शौकत पठान है, मैनू अप्सरा वाले है, रुस्तुम कंपली है, एमडी शेख है, जो आसिम नदाफ है, इन लोगों को सभी को बुलाकर ये तय करना है कि हमको एक उम्मीदवार देना है और इस बार शहर मध्य को हाथ से छोड़ना नहीं है। ये सभी लोगों का ऐसा डिसीजन है, इसके लिए आज पर ये छोटी दावत खानी यहाँ पर रखी गई थी मिस्टर हारून खान के घर पर। अभी अगली मीटिंग नहीं, अगर कांग्रेस के तरफ से सीट नहीं छूटते मुसलमान कैंडिडेट को, मुस्लिम व्यक्ति को, तो क्या आपने फैसला किया अभी? कांग्रेस से अगर सीट नहीं छूटती तो उम्मीदवार तो लड़ाना ही है, उम्मीदवार लड़ेगा ही, जरूर लड़ेगा। कांग्रेस के खिलाफ जाके लड़ने के लिए तैयार है? कांग्रेस के खिलाफ जाकर लड़ेंगे और सभी पार्टियों के खिलाफ जाकर लड़ेंगे। अगर मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलता तो पूरा समाज आज गुस्से में है। लोकसभा को हमारी इतनी कुर्बानियों के बाद भी हमको अगर इंसाफ नहीं मिलता तो इस बार तो जरूर लड़ेंगे।